नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेंज के बारे में। बट उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक पर्सन है, नाम है उज्जवल और मुंबई से बिलोंग करते हैं वो। उन्होंने अभी जस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपीज़ का एक UPI पेमेंट किया और उसमें जो मैसेज आया था वो बेसिकली ये आया था कि उन्होंने फ़ोन कॉल करके भी मेरे को बताया कि जो हमने पिछले 2 दिन के जो ऑप्शन चेन के डाटा बताए थे और जिसमें क्लियरली बोला गया था कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा और आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो उसका बेनिफिट ये मिला है कि उनने 2 दिन बिल्कुल ट्रेड नहीं किया और उनका जो अनवांटेड लॉस होते थे वो बचे, और जिसकी वजह से उन्होंने थैंक यू बोला और 500 रुपीज़ का चैनल को सपोर्ट किया। बोला कि आगे भी अगर हम क्लियरली बता सकें कि कौन से दिन कंसोलिडेशन होगा या कौन से दिन आपको ट्रेड करना चाहिए जिसका बेनिफिट सारे लोगों को मिलता रहे, तो कोशिश मैं पूरी पूरी करूँगा और जल्दी कि मैं आपको पहले से ही वो सारी चीज़ें बता सकूँ जो आपके काम आ सके। हमेशा मेरा फोकस यही रहता है कि कोई भी वीडियो बनाने से पहले कि वो वीडियो आप लोगों के कितने हेल्प करता है वो ज़्यादा मैटर करता है। अदरवाइज़ चीज़ें, वीडियो बहुत सारे बनते हैं और बहुत सारे बना भी सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक कहानी होती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता सबको। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऑप्शन चेन का वीडियो मैं सबको दे पाऊँ, टाइम से दे पाऊँ और वो सबके बेनिफिट रहे। तो थैंक यू जल्दी, आपने सपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में, उसको समझेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से डाटा बनाया और क्या कल का जो नई सीरीज स्टार्ट होगी वो डाटा हमारे लिए एक नया एक्शन का दिन लाएगा या फिर सेम कंसोलिडेशन का दिन रहेगा। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं, समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डाटा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से यहाँ पे डाटा बनाया है। तो सबसे पहले क्लोजिंग की बात करते हैं, तो देखिए क्लोजिंग आई है 10981 पे क्लोजिंग आई है, यानी 10,981 पे क्लोजिंग आई है। देखते हैं 11,000 और सारे लेवल पे कैसा माहौल बना हुआ है कल की सीरीज में। तो कल की सीरीज लगा लेते हैं यहाँ पे, 19 सितंबर की एक्सपायरी वाली ये सीरीज है, तो देखते हैं यहाँ पे 11,000 पे क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए 11,000 की जो पुट है वहाँ पे आपको टोटल दिख रहा है करीब 10,75,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, और कितना ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़ा है यहाँ पे 15,76,000 का। बट 11,000 की कॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इक्वली ही, अगर बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वली है, 9,78,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ दिखाई दिया है और 14 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी खड़ा है। वहीं अगर बात करते हैं 11,100 की, तो आपके लिए इस सीरीज में भी 11,100 जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल में। इसके बाद की बात करें तो वो है 10,11,200, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल आपके लिए यही है 11,100। तो 11,100 पे अगर पुट राइटर की बात करते हैं तो 3,28,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, समझ में ये चीज़ आ रही है कि मार्केट का जो कल का दिन हो सकता है वो भी एक कंसोलिडेशन का हो सकता है, क्योंकि 11,000 के लेवल पे इक्वली अगर देखा जाए तो पुट और कॉल में एक इक्वली डाटा बना हुआ है। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी नेगेटिविटी तो है बट इतनी भी ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से एकदम से निफ्टी गिर जाए, तो इसीलिए यहाँ पे जो डाटा है वो इक्वली बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं 10,900 की, तो 10,900 की जो पुट है वहाँ पे आपको दिख रहा है कि करीब 9,35,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 10,900 की कॉल पे सिर्फ 1,91,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। यानी अगर कोई बिकवाली आती है तो वो 10,900 तक निफ्टी को ले जाती है, तो वहाँ पे जाके निफ्टी के रुकने के पूरे पूरे चांसेस हैं और उस लेवल पे आपको अपनी या तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर आपको वहाँ पे एक कॉन्ट्रा कॉल लेके काम करना चाहिए जो कि कॉल होगी 11,000 की। और अगर निफ्टी यहाँ पे दोबारा से 11,050 के ऊपर ट्रेड करता है तो वहाँ पे आप एक पुट लेके काम कर सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल जो माहौल दिख रहा है एज पर द डाटा वो कंसोलिडेशन का दिख रहा है, मतलब मोमेंटम ना आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो हो सकता है 1-2 दिन और मार्केट कंसोलिडेट करे और फिर आपको एक गिरावट या फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट, ये दोनों में से कोई एक सिनेरियो देखने को मिलेगा। अब जल्दी से चलते हैं हम बैंक निफ्टी के डाटा पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी का डाटा क्या कह रहा है।
देखिए बैंक निफ्टी ने आज भी 27,700 को होल्ड किया है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि बैंक निफ्टी का सीन क्या था, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था और उस ओवरसोल्ड जोन से धीरे धीरे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 27,700 को आज के दिन भी होल्ड किया है बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए जो नई सीरीज है उसमें कैसा डाटा बना हुआ है। तो सबसे पहले बैंक किस लेवल की बात करेंगे, बात करेंगे 27,500 की। तो 27,500 की जो पुट है वहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है 3,09,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 27,500 की कॉल पे सिर्फ 57,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो इस सीरीज के लिए 27,500 का बैंक निफ्टी का बनता हुआ आ रहा है। यहाँ पे फिलहाल ये क्लियरली दिख रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कॉल की, तो कॉल में 28,000 का लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के लिए काम आ रहा है जो कि बैंक निफ्टी का होगा। तो यहाँ पे सीन क्या बन रहा है, देखिए 27,500 की मैंने बात करी इम्पोर्टेंट सपोर्ट, 27,600 और 27,000 यानी 27,500 600 के बीच में मिलता है तो आप एक कॉल लेके काम कर सकते हैं। 27,900 और 28,000 के बीच में मिलता है तो आप एक पुट लेके काम कर सकते हैं। ओवरऑल जो मार्केट का माहौल है वो कंसोलिडेशन का है, जैसा कि मैं आपको पिछले 2 दिन से बता रहा हूँ। तो उस 2 दिन की वजह से आपको मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो आपको लॉस भी नहीं हुआ है, इस चीज़ का आप बेनिफिट है। और इस चीज़ का बेनिफिट से आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं जो भी आपका डोनेशन होता है उसके थ्रू। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस दिन काम करना है किस दिन नहीं करना है। इसीलिए मैं स्पेशली बोल देता हूँ कि कल के दिन आपको काम करना है या नहीं करना है। तो जब कंसोलिडेशन का दिन है तो मेरे हिसाब से आपको काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप वेट करो मार्केट का, जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तब आपको काम करना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो यही है कि कल का दिन वेट करिए, देखते हैं मोमेंटम आता है या नहीं आता। अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेशन का माहौल है, दोनों साइड यानी कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों पैसे कमा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ 27,700 की कॉल और पुट, देखिए 39 यहाँ पे गिरी और 21 इधर गिरी, यानी अगर जिसने 27,700 की कॉल और पुट दोनों राइट कर रखी होगी तो उसको ऑलमोस्ट आपके 60 पॉइंट सीधे सीधे मिल गए। और ये कितने दिन में मिल गए, हार्डली एक दिन में ये आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से जो कल का डाटा है वो कंसोलिडेशन वाला है, तो अवॉइड करनी चाहिए आपको कल की ट्रेडिंग। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।